जा रहा है या नहीं जा रहा, वो चीजें हम ध्यान नहीं देते। कभी टीचर से जाकर मिलते नहीं, कोई मुद्दा आ गया तो अब है भेड़ा हो अरे भी मास्टर ने हटाओ, इतना जरूर कहेंगे। लेकिन क्या हम हर महीने जाके स्कूल जाके क्या टीचर से हम पूछते हैं, गुरुजी से पूछते हैं कि मेरा बच्चा आता है कि नहीं आता, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अभी आप ये बताओ, पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल सही है। आज हमारे बकरी है गाय है उसको वो कितनी देर आप निगरानी करा, कौन करा निगरानी करा, कौन करा, क्या रे कटे है घुनी कट गई पकड़ लो, फिर पीछे आपकी बूढ़ी माऊ भी है कोई 80 साल रही पिचारी पिचासी भर रही भाई, फिर लारे नाटे की भाई पकड़ लो घुनी निकट गई, उसको पूरी चौकीदारी करके फिर उसको वो खाना खाया नहीं खाया, बीमार है नहीं है, वापस उसको घर लाके फिर वापस बाड़े में बंद करना, कितना ख्याल रखो आप। तो अपना टाबर में कौन ख्याल रखा, क्या हम बच्चों को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। घर पे जैसा अभी पीओ साहब ने कहा कि मोबाइल हम देते हैं, मोबाइल बीच में कोविड आ गया तो मजबूरी हो गई थी, पढ़ाई मोबाइल पे होने लगी थी और इसलिए मोबाइल हर एक बच्चे के हाथ में चला गया। लेकिन उस मोबाइल को कभी हमने देखा कि इस मोबाइल में बच्चा किससे बात कर रहा है, किसका मैसेज आया उसमें, किसके संपर्क में है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, आज कितनी समस्याएं आ रही है, मतलब बहुत दुख होता है, बहुत अफसोसजनक स्थिति है अपनी। थाने के अंदर देखो कितने अपने कैसे कैसे केस हो रहे हैं, तो ये कौन सुधारेगा, पुलिस नहीं सुधार सकती, कानून नहीं सुधार सकता, सरकार नहीं सुधार सकती, ये चीजें किसके हाथ में, ये चीजें अपने माँ बाप अपने परिवार के हाथ में कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को समय दें। जितना घर में खाना बनाना जरूरी है, सफाई करनी जरूरी, जो खेती करनी जरूरी, जो धन पालना जरूरी, उत्तर उत्तर बेड़ू बत्तो जरूरी है तो अपने ये बच्चे हैं। इन बच्चों को हम दोष देते हैं कि बच्चे नशे की लत में आ गए, बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, तो कारण क्या, हमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उनको संस्कार नहीं दिए, उनको सिखाया नहीं। अभी भूरा राम जी हैं, एक और बच्चे का मेडिकल में नीट में सिलेक्शन हुआ है, मैं बधाई देती हूँ उनको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग में भेजेंगे शहर में भेजेंगे तो ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, जयपुर को देखो जोधपुर देखकर हो जाए, तो हमको सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो बच्चे को मेहनत करनी सिखाओ। ये अपने नैन जी कहाँ, ये नैन जी बैठे, अब इनका भतीजा है वो मोहन, मोहन जी जाखड़ यूपीएससी में हुआ, सिविल सर्विसेज में हुआ, कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी उसने, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ मन में ये संकल्प किया था कि नहीं मुझे मेहनत करनी है और पढ़ना है। तो हर चीज संभव है, लेकिन हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, तभी ये सब संभव है। एक तो रामदान जी को याद करती हूँ, तो वो मृत्यु भोज निवारण उन्होंने आज से कितने साल पहले 1962 में मृत्यु भोज निवारण एक्ट पास कराया था विधानसभा में, लेकिन आज क्या हो गया, अच्छा अभी रही तो खर्चों की मैं हूँ दुगनों कर। भी एक टाइम जुमान आले में भी हमें बहुत बढ़िया धन्यवाद आप इतने तक तो आया कि एक टाइम जुमान मत आया, लेकिन और आप खर्चों की कर कम कर सका, क्योंकि मैं अपना उदाहरण दूं कि धन्यवाद देती हूँ, उधर जसाई और उधर मैं जाती हूँ, वहाँ मेघवाल समाज के लोग हैं, बाकी मैं आपको बताऊँ वहाँ मेघवाल समाज के लोग हैं, उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया कि मृत्यु भोज पे खर्चा कम करके साधारण दाल रोटी बना के और जो बचा हुआ पैसा है वो समाज के छात्रावास में वो परिवार सारा दान देता है कि उसमें एक कमरा बने या दो कमरा बने जैसे भी उसका सामर्थ्य है। तो मृत्यु भोज पे खर्चा कम करके और उन पैसों को समाज के छात्रावास में बच्चों की पढ़ाई के लिए वो व्यवस्था करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमको सुधार करना ही चाहिए, क्योंकि पैसा बढ़ गया अब एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करें, कम खर्चा करें ताकि अपने बच्चों का भविष्य भी बढ़िया हो। और आपने जो मांगे रखी है तो जरूर इस स्कूल को क्रमोन्नत कराने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। सड़क से की है बात मैंने तुम लेना या जिन्हें मैं समझ गई।
मैं क्या हमें आहेंगो पहली मांगा सड़क तो पक्की आम मने ठाए। तो ये सड़क से आप लेकर आए बाकी समस्याएं, इस बार तो नहीं अगले बजट में, मतलब 5-6 महीने बाद ये सड़क को अपन लेंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी ये सड़क हो जाए। बाकी और भी कोई काम हो, मैंने कहा था आप सभी जो ग्रामीण जन है सब एक साथ बैठे और तय कर लिए कि इस गांव में इस पंचायत में आपको विकास का क्या काम करवाना है, जो सार्वजनिक हो, सार्वजनिक हित का जो भी काम आप करवाना चाहते हैं आप मेरे को मिलके बता दीजिए, तो मैं आपका वो काम पूरा करूंगी, क्योंकि